गुरु शिष्य के बीच के वार्तालाप में शिष्य ने कहा, गुरुदेव एक दिन घर पधारो, हमारे यहां भंडारा हो रहा है और पूरा एक महीने चलेगा, आना जरूर गुरुजी। बोले ठीक है मैं आऊंगा, पर मैं जैसा हो मैं आ जाऊंगा, समय निकाल के और जैसा भी आ जाऊंगा, मैं पक्का आऊंगा। बात हो गई, सेठ जी खूब भंडारा करा रहे हैं। एक दिन जो है फटे से कपड़े पहने, मैले कचड़े से पहने कोई व्यक्ति आया, उन्होंने जो है सेठ जी ने कहा, भाई यहां सब लोग ऐसे बैठे हैं, तू कहां, चल उधर बैठ, दूर जा यहां से। भगा दिया उसको। फिर क्या हुआ, फिर गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी आपने कहा कि आप आओगे। बोले मैं आऊंगा, मैं आया था और कल भी आऊंगा, चिंता मत कर। अगले दिन आए, तीन दिन हो गए आते रहे गुरुजी। सेठ जी को लगा गुरुजी आते ही नहीं है, पता नहीं किस बात का प्रमाद कर रहे हैं गुरुजी। सेठ जी नाराज होकर पहुंचे, गुरुजी गलत बात आपकी, बहुत गलत बात है, आपने हमसे कहा मैं आऊंगा और आप आए भी नहीं। गुरु बोले मैं आया था, तू देख नहीं पाया मुझे, तू पहचान नहीं पाया, जरा मेरी पीठ पर निशान देखना। देखे, एक दिन मैं आया था खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, तूने डंडा मार के मुझे भगाया। प्रभु वो तो मैंने कुत्ते में मारा था, आप में थोड़ी दिया था। अच्छा तो तू मुझे क्या चाहता है, मैं इसी रूप में आऊं तेरे यहां? अगर तू इस रूप में मुझे बुलाना चाहता है तो और भक्ति को बढ़ा, अभी तेरी भक्ति पक्की नहीं है। मैं आया था देखने के लिए, तूने ऐसे भगा दिया दरवाजे से, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? एक दिन और आया था, तूने क्या बोला, अरे यहां वैसे लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, चल भाग यहां से। मैं एक भिखारी के रूप में आया था, तू देख नहीं पाया मुझे। सेठ जी चरणों में गिर गए, हे प्रभु, हे गुरुदेव गलती हो गई, अगर तू मुझे इस रूप में देखना चाहता है तो और भक्ति बढ़ा, अभी तेरी जितनी भक्ति है मैं किसी भी रूप में आ जाऊं तुझे स्वीकार करना पड़ेगा सहजता से। इसलिए जहां भी भंडारा होता है, जहां भी सत्संग होता है, कभी किसी को मार पीट के, कभी किसी को नीचा करके मत भगाओ, न जाने किस रूप में भगवान आ जाए, कभी भी मत भगाओ। कोई द्वार पे आ गया, अतिथि आ गया, आपको जी कौन है, हम नहीं जानते, जाओ यहां से। आप उसको धन ना दो पर मीठे वचन दे दो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन है, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, आप गरीब किसको समझते हैं? जिसके पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जिसका रहन सहन ठीक नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, क्या आप उसको गरीब समझते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत है। गरीब कौन है, गरीब कौन है और अमीर कौन है, इस बात को समझना पड़ेगा। गरीब कौन है, जिसके पास बहुत सारा धन है पर उसके पास दो मीठे वचन नहीं है, वो सबसे बड़ा कौन है, गरीब है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है पर दो मीठे वचन है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है।